डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो पार्ट वन डायनेमिक्स का रेस्ट था उसमें बताऊंगा। आप चार दिन वीडियो नहीं देख पाए क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अब आप फिर से देखें, ये डायनेमिक्स पार्ट टू है और डायनेमिक्स पार्ट वन में मैं थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन बताए थे। अब एक इसमें और इक्वेशन निकाली है, एक रिजल्ट और निकाले जाते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन टीएच सेकंड, तो आप उसको निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, एलजेब्राइक मेथड है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकंड, टीएथ सेकंड, टीएथ सेकंड आपको, तो टीएथ सेकंड्स में ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टी सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टी माइनस वन सेकंड। जैसे आप इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये लाइन है, पार्टिकल यहां से ऐसे चल रहा है, एक पॉइंट से चल रहा है, टी सेकंड में यहां पर आ गया, ये टी माइनस वन सेकंड में यहां पर आ गया और टी सेकंड में यहां पर है। आपको टीएथ सेकंड में, टीमा सेकंड में ये निकालना है, तो ये डिस्टेंस ये हुआ। तो आप कहेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी माइनस वन सेकंड, तो आपको ये डिस्टेंस निकल जाएगा। टी में सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, जो डिस्टेंस डिस्क्राइब होता है, वो निकल जाएगा। तो बहुत इजीली इसको आप निकाल सकते हैं, केवल एल्जेब्रिक प्रोसेस है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकंड्स, टीएथ सेकंड्स में, टीएथ सेकंड इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड्स, इन टी सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी माइनस वन सेकेंड्स, टी माइनस वन सेकेंड्स। तो आप इसे इस प्रकार से लिखेंगे, आपको बताया गया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन टी सेकेंड्स हुज इनिशियल वेलोसिटी इज यू एंड एसोसिएटेड कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन इज ए इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। तो ये यूटी और प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर हुआ, एफ टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वन सेकंड्स के लिए ऐसा लिखा जाएगा, यू टी माइनस वन, यू टी माइनस वन प्लस 1 by 2 f t minus 1 का होल स्क्वायर। और आप इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो आपको
मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि ये कैलकुलेशन कितना होगा। ये कैलकुलेशन आप करके देखेंगे, ये आएगा u प्लस 2t माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 और इनटू a। एक सिंपल कैलकुलेशन है जिसे आप स्वयं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन th सेकंड्स निकाले जाते हैं। अब आगे मैं बताने जा रहा हूं पैरेललोग्राम लॉ। तो इसका पहले देखिए स्टेटमेंट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज या वेलोसिटी, पैरेललोग्राम लॉ। देखिए लॉ क्या है, इफ एट एनी इंस्टेंट, इफ एट एनी इंस्टेंट ए पार्टिकल पोसेसेस टू फोर्सेज आप यहां पर और वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, और वेलोसिटीज और एनी वेक्टर भी आप लिख सकते हैं, और एनी वेक्टर चाहे एक्सीलरेशन ही क्यों ना हो, कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो इफ एट एनी इंस्टेंट ए पार्टिकल पोसेसेज टू फोर्सेज, विचार रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two adjacent sides यहां आर छूटा हुआ है, बीच आर, यहां आर छूट गया है लिखने में, मैं लिख दे रहा हूं, बीच आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम
किलोग्राम। देन दियर रिजल्टेंट, देन दियर रिजल्टेंट, दियर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, देन दियर रिजल्टेंट, देन एक मिनट ये लैंग्वेज थोड़ा सा गलत हो गया, देन एट दैट इंस्टेंट, देन एट दैट इंस्टेंट, देन एट दैट इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पर टू फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं उसी इंस्टेंट की बात है, देन एट दैट इंस्टेंट, देन एट दैट इंस्टेंट दियर दियर रिजल्टेंट, दियर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इज रिप्रेजेंटेड, इज रिप्रेजेंटेड बाय दी डायगोनल, बाय दी डायगोनल, डायगोनल ऑफ दी पैरालेलोग्राम, ऑफ दी पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम लेकिन कौन डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा, जो एडजेसेंट साइड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पासिंग थ्रू दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी एडजेसेंट साइड्स, adjacent sides यही पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस या वेलोसिटी और एनी वेक्टर का स्टेटमेंट है। आप अच्छी प्रकार से इसे पढ़ लें, इफ एट एनी इंस्टेंट कॉमा ए पार्टिकल पोसेसेस टू फोर्सेस और वेलोसिटीज और एनी वेक्टर विच आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये देखिए इस पैरेललोग्राम में OA और OB एडजेसेंट साइड्स है, तो यहां फोर्सेस जो हैं एडजेसेंट साइड्स के द्वारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन
डायरेक्शन दोनों में रिप्रेजेंट होना आवश्यक है। तो यहां देखिए OA और OB ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ लेंथ ऑफ OA और ये लेंथ ऑफ OB। वेक्टर का जो लेंथ होता है वह उसका मैग्नीट्यूड बताता है। तो तब ये लॉ कहता है कि इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वह इस समानांतर चतुर्भुज के उस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा जो ये दोनों आसन्न भुजाओं के कटान बिंदु से गुजरता है। ऐसा नहीं कि इस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। तो वही कह रहा है कि इफ एट एनी इंस्टेंट ए पार्टिकल प्रोसेसेस टू फोर्सेस और वेलोसिटीज और एनी वेक्टर व्हिच आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन एट दैट इंस्टेंट दियर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एडजेसेंट साइड्स जो हमने कंसीडर किया है। तो आप इस लॉ को याद रखें। एक बात और जाने आप लॉ क्या चीज है और रूल क्या चीज है। एक होता है लॉ और एक होता है रूल। ये दोनों में अंतर होता है। आप अच्छी तरह से जान ले कि रूल जो होता है वह ह्यूमन मेड होता है और खास करके समाज सोसाइटी में ये रूल बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। तो जीवन जीने के तरीके, सामाजिक नियम, इसको रूल कहते हैं। और उस रूल को जब फॉलो किया जाता है तो वह एक सिस्टम बन जाता है। लेकिन लॉ जो होता है वह हमेशा नेचुरल होता है। आपने सुना होगा जैसे पार्लियामेंट्री लॉ, वह लॉ है, वह जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता, वह नियम नहीं है, वो लॉ है। पार्लियामेंट्री लॉ, संवैधानिक नियम, वो लॉ है। उसी तरह से लॉ जो होता है नेचुरल होता है। ये नेचर कहता है कि वेन एवर ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन ए टू फोर्सेज विच आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन दियर रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। दिस इज द लॉ एंड इट कैनॉट बी चेंज। यदि कोई पार्टिकल पर दो बल लगेगा, दो वेग लगेगा, दो एक्सीलरेशन लगेगा, तो वह न इधर जाएगा न इधर जाएगा, वह डायगोनल की ओर जाएगा। यह नेचुरल लॉ है, इसलिए इसका नाम है लॉ। आपको आगे कभी मैं बताऊंगा कि लॉ क्या चीज है, रूल क्या चीज है, प्रिंसिपल क्या चीज है, हाइपोथेसिस क्या चीज है, ये मैं आगे कभी मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी इसको आप डिस्क्राइब करें। तो अब देखें इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा रिजल्टेंट का, इसको इजीली आप निकाल सकते हैं।
ये वेक्टर सम है, तो आप इसे इस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट दोनों साइड का लेंगे, यानी आर डॉट आर, वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, तो ये वेक्टर पी प्लस क्यू, वेक्टर पी प्लस क्यू और डॉट वेक्टर पी प्लस क्यू, दोनों साइड हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया सेम वेक्टर के साथ। तो आपने पढ़ा होगा कि आर डॉट आर का वैल्यू ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए आप लिख सकते हैं यहां पर वेक्टर पी डॉट वेक्टर पी प्लस वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर क्यू डॉट वेक्टर पी प्लस क्यू डॉट वेक्टर क्यू डॉट वेक्टर क्यू, ऐसे आप लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पी डॉट पी, तो वैल्यू हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये चूंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, इसलिए आप इसको लिखेंगे यहाँ तो क्यू डॉट क्यू का वैल्यू आप क्यू स्क्वायर लिख दें, और इसका वैल्यू लिखा जाएगा टू पी वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इस प्रकार से। अब पी डॉट क्यू, पी और क्यू के बीच का एंगल देखिए, वहां अल्फा लिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट वी कैन राइट एज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस यहां लिखा जाएगा टू पी क्यू कॉस अल्फा, और यही रिजल्टेंट के स्क्वायर का वैल्यू हुआ। दिस इंप्लाइज तो आप डॉट प्रोडक्ट से भी ऐसे निकाल सकते हैं, आप ज्योमेट्रिकली भी निकाल सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकली देखिए ऐसे निकाला जाएगा, यहां ये ज्योमेट्रिकली देखिए ऐसे निकाला जाएगा, यहां ओसी लाइन सेगमेंट जो है वो रिजल्टेंट को एक्सप्रेस कर रहा है। तो आप पहले ज्योमेट्रिकली ओसी का वैल्यू निकालें, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि ओसी स्क्वायर का वैल्यू ये आ जाएगा ओएम स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर, चूंकि सीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ओए पर, तो यहां पर लिख सकते हैं ओ एम स्क्वायर और प्लस ये एम सी स्क्वायर, और इसे थोड़ा सा ब्रेक करके लिखें, ओ एम का वैल्यू लिखें ओ ए और प्लस ए एम होल स्क्वायर और प्लस एम सी स्क्वायर, ऐसे लिखें। और जैसे आप इसको स्क्वायर ब्रेक करते हैं वैसे ब्रेक करें, ओ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस टू इंटू ओ ए और इंटू ए एम और प्लस एम सी स्क्वायर, आप ग्रुपिंग कर दें एम सी स्क्वायर को और एम स्क्वायर को कंबाइन कर दें, तो ये ओ ए स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर और एम सी स्क्वायर को इस ग्रुप में रखें और प्लस यहां पर टू इंटू ओ ए और इंटू ए एम, तो एम को आप ऐसा करें कि एम को एसी से डिवाइड करें और एसी से मल्टीप्लाई कर दें, ये ऐसे। ये
by ऐसे एसी का। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू हो गया OA स्क्वायर और प्लस ये एसी स्क्वायर हो गया और ये प्लस 2 इनटू OA इनटू एसी और ये m डिवाइडेड बाय एसी जो है cos अल्फा के बराबर हो गया m डिवाइडेड बाय एसी cos अल्फा, क्योंकि ये एंगल अल्फा है और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल उसे काट रहा है, तो जो कहते हैं संगत का कोण करस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं, तो ये अल्फा हो जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हैं cos अल्फा, ये ऐसे cos अल्फा। और अब आप एक लाइन और बढ़ा दें, OA स्क्वायर और AC का वैल्यू OB स्क्वायर है, तो ऐसे लिख दें प्लस 2 इनटू OA और इनटू OB cos अल्फा, OB और इनटू cos अल्फा। तो दिस इंप्लाइज फाइनली आप लिख सकते हैं ये r स्क्वायर, OC जो है तो r को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq pq cos अल्फा। यह वही वैल्यू आया जो मैंने वेक्टर से निकाला था, तो सेम चीज है। अब यहां पर आप r का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं। देखिए यहां p और q बढ़ने घटने वाली चीजें नहीं है, बढ़ने घटने वाली चीज यहां पर अल्फा है। तो अल्फा का मान यदि आप बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसके अनुसार r जो है अफेक्टेड होगा। तो देखिए अल्फा यहां अल्फा जो है cos अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और यह तभी होगा जब अल्फा 0 होगा। तो देखिए यहां पर आप r मैक्सिमम का वैल्यू आप निकालना चाहें, r मैक्सिमम तो r मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं cos अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू जब 1 होगा यानी अल्फा 0 होगा तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे और तब दोनों का अफेक्ट p plus q होगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये 1 होगा तो r स्क्वायर का वैल्यू यहां पर r का वैल्यू p plus q हो जाएगा, यही p plus q ये तब होगा if अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पुनः यहां पर r मिनिमम कब होगा, r मिनिमम तो ऑबवियस है कि cos अल्फा का मिनिमम वैल्यू -1 होगा, -1 कब होगा जब अल्फा 180 डिग्री होगा यानी इस वेक्टर के ओपोजिट क्यू वेक्टर चलाएगा, तो जो बड़ा होगा उसमें से घटाना पड़ेगा। तो r मिनिमम का वैल्यू यहां पर इतना आ जाएगा मॉड ऑफ आप p माइनस q ऐसे लिखेंगे, ये इतना आ जाएगा और ये तब होगा if अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बात। अब यहां पर निकाला जाता है रिजल्टेंट का डायरेक्शन, यहां देखिए रिजल्टेंट OA से थीटा एंगल पर झुका हुआ है, तो यहां tan थीटा का मान कितना होगा आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए यहां tan थीटा का मान कितना आएगा, हियर
tan थीटा इज इक्वल टू, तो जो ट्रायंगल है बड़ा उसमें आप देखिए ये MC डिवाइडेड बाय OM होगा, MC डिवाइडेड बाय OM, और OM को आप ब्रेक कर दीजिए तो ये MC डिवाइडेड बाय OA प्लस, आप लिख सकते हैं OA प्लस AM। अब आप क्या करें कि MC जो है इसको डिवाइड कर दें AC से, यानी AC यहां मल्टीप्लाई करें और MC डिवाइडेड बाय AC ऐसे लिखें, होल डिवाइडेड बाय OA तो छोड़ दें इसका वैल्यू मालूम है, यहां पर AM तो यहां भी AC से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर दें, AM डिवाइडेड बाय AC, तो आप देखें क्या आ रहा है, AC का वैल्यू हो गया यहां OB और MC डिवाइडेड बाय AC, ये MC डिवाइडेड बाय AC ये sin अल्फा के बराबर हो गया, तो इनटू sin अल्फा होगा, डिवाइडेड बाय OA का वैल्यू आप अभी रहने दो OA प्लस, यहां पर AC का वैल्यू OB हुआ और AM डिवाइडेड बाय AC cosine अल्फा के बराबर हुआ cos अल्फा, तो यही tan थीटा का वैल्यू हुआ, दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू Q sin alpha divided by P plus Q cos alpha, इसी फार्मूले से रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता चलता है, तो इसे आपको याद रखना होगा। अब मैं कंपोनेंट्स की बात करता हूं और रेजोल्यूशन की बात करता हूं, कंपोनेंट्स एंड रिजॉल्व पार्ट्स। आप दूसरे फिगर को देखिए, हमें एक वेक्टर दिया हुआ है आर, जो उसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंटेड है, और दो डायरेक्शन दिए हुए हैं OX एंड OY, तो हमको R को रिजॉल्व कर देना है OX और OB OY के डायरेक्शन में, तो देखिए हमने इसके लिए क्या किया है कि OY के पैरेलल CA खींच दिया और BC या CB खींच दिया OX के पैरेलल, तो OA जो यहां पर कहा जाएगा ये OC का पैरेलल कंपोनेंट कहा जाएगा। कंपोनेंट दो तरह के होते हैं, एक पैरेलल कंपोनेंट और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये एक्चुअली पैरेलल प्रोजेक्शन है OC का, शुद्ध भाषा में हम कहें तो OA इज द पैरेलल प्रोजेक्शन ऑफ OC ऑन OX, उसी तरह से ये OB जो है पैरेलल प्रोजेक्शन है OC का ऑन OY, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं OA इज द पैरेलल कंपोनेंट एंड OB इज द पैरेलल कंपोनेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ OY। तो आप को यहां OA और OB का मान निकालना है, तो हमने मान लिया है कि ये जो रिजल्टेंट है ये OC जो है OX के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और OY के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो यहां एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल बराबर हो गया, ये बीटा है तो ये बीटा हो गया और ये अल्फा है
तो इसीलिए एक्सटर्नल एंगल जो है अल्फा प्लस बीटा हो गया। किसी त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग बहिष्य कोण के बराबर होता है। और ये एंगल निकालना है सी एओ, तो 180 डिग्री में से अल्फा प्लस बीटा घटा दीजिए, निकल जाएगा। अब यहां पर आपको साइन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये ए बटा साइन ए, ए बटा साइन ए इज इक्वल टू बी बटा साइन बी इज इक्वल टू सी बटा साइन सी। ये ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का ये साइन फॉर्मूला कहलाता है। हम इसको प्रूफ करके बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप एज्यूम कर लीजिए कि यह फॉर्मूला ट्रू है। तो यह फॉर्मूला जो है आप ओ ए सी ट्रायंगल में अप्लाई करें। तो यहां पर आप देखेंगे तो दिस इंप्लाइज, आपको आप लिख सकते हैं ओ ए डिवाइडेड बाय साइन बीटा, ये लिख सकते हैं ओ ए डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू आप ए सी डिवाइडेड बाय, ये लिख सकते हैं ए सी डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, और ओ सी डिवाइडेड बाय ये लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये लिखा जाएगा। और तब आप ऐसे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज ओ ए डिवाइडेड बाय साइन बीटा, ओ ए डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा। और यहां से आप निकाल सकते हैं दिस इंप्लाइज ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा, और ओ बी का वैल्यू आप यहां निकाल सकते हैं ओ बी अर्थात ए सी, ओ बी बराबर ए सी इज इक्वल टू साइन अल्फा ओ सी साइन अल्फा, ओ सी इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा, ये हो चुका। अब आप यहां पर यदि देखें तो अल्फा प्लस बीटा का मान यदि 90 डिग्री हो तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जिसको हम रिजॉल्व पार्ट्स कहते हैं। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड हम बीटा का मान लिखें तो ये 90 डिग्री माइनस अल्फा। सो आप लिख सकते हैं साइन बीटा आपको निकालना है तो साइन बीटा का मान यहां पर साइन बीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा कॉस अल्फा। तो देखिए अब यहां पर रिजॉल्व पार्ट्स कितने आ गए, अब यहां पर ओ ए का वैल्यू आ जाएगा, ओ ए का वैल्यू आ गया ओ सी, और साइन बीटा का वैल्यू आपने निकाल दिया कॉस अल्फा, कॉस अल्फा और नीचे हो गया 1। उसी तरह से ओ बी का वैल्यू देखेंगे तो ओ सी और इंटू साइन अल्फा और नीचे हो गया 1। तो आप लिख सकते हैं फाइनली आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज ओ ए का वैल्यू
तो OA का वैल्यू हो गया OC इनटू cos अल्फा एंड यहां OB का वैल्यू ये हो गया OC और इनटू sin अल्फा। इसको रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ OC कहते हैं। यदि OC वेक्टर R को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां लिखा जाएगा ऐसे OA इज इक्वल टू OC, तो ये वेक्टर R ऐसे हम लिखेंगे तो यहां मोड लिखना पड़ेगा मोड R cos अल्फा एंड, और नहीं तो यहां पर यदि आप वेक्टर लिखते हैं तो ये वेक्टर हटाना पड़ेगा ये, और यहां पर डॉट भी नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसे आप लिख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर इसको हम मैग्नीट्यूड में लिखते हैं और इस प्रकार से लिखते हैं एंड यहां पर OB का वैल्यू आप ये लिख सकते हैं मोड आर और ये साइन अल्फा, इसे रिजॉल्व पार्ट्स कहते हैं। और जब 90 डिग्री पर नहीं लेते हैं तब उसको कंपोनेंट्स कहते हैं। अब इस वीडियो में बस इतना ही, अब आगे दूसरी वीडियो में दिखाया जाएगा।